नमस्ते आदाब, मैं आपका होस्ट और दोस्त आसिफ खान, स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। दोस्तों, रियलिटी चेक की टीम इस बार पहुंची है उदयपुर में। यहां झीलों की नगरी उदयपुर का रियल इस्टेट बाजार का रियलिटी चेक टीम ले रही है जायजा और जान रही है कि उदयपुर के रियल इस्टेट बाजार में क्या कुछ हो रहा है खास। दोस्तों, लगातार अपडेट दे रही रियलिटी चेक की टीम को आप लोगों का इतना प्यार मिला कि राजस्थान भर में जगह जगह से रियल इस्टेट का अपडेट लेने के लिए हमें बुलाया जा रहा है। ऐसा ही अपडेट लेने पहुंचे हैं इस बार हम उदयपुर, और उदयपुर में एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं और यहाँ के रियल इस्टेट बाजार में भी लगातार दिख रही है हलचल। एक के बाद एक बड़ी टाउनशिप्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के साथ में उदयपुर बनता जा रहा है झीलों की नगरी के साथ में रियल इस्टेट बाजार का एक बड़ा हब। तो चलिए रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में जानते हैं उदयपुर के रियल इस्टेट बाजार का हाल। दोस्तों, उदयपुर एक ऐसा शहर है जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। उदयपुर राजस्थान का एक ऐसा शहर है जो कि पर्यटन के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। उदयपुर शहर की स्थापना महाराजा उदय सिंह द्वारा की गई थी। ये शहर अपने इतिहास, संस्कृति और दर्शनीय स्थानों की वजह से भी काफी प्रसिद्ध है। यही वजह है कि उदयपुर शहर हमेशा से देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। आज हर किसी की चाहत होती है कि उदयपुर शहर में उसका एक आशियाना हो। अब नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो जोधपुर, उदयपुर, ये सिटीज ही हैं। तो यहाँ रियल एस्टेट का बहुत अच्छा फ्यूचर लगता है। गवर्नमेंट भी स्टेबल हो चुकी है। अब लग रहा है कि एक दो महीने में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू गवर्नमेंट डाउन कर रही है और बूस्टअप भी करती जा रही है, क्योंकि बिजनेस से लोगों को रोजगार मिलता है। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एम है कि रोजगार भी मिले और मकान भी मिले, तो दोनों रियल एस्टेट से दोनों एम गवर्नमेंट के सोल्व होते हैं। दोस्तों, आपका अपना शहर उदयपुर इन दिनों वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की ओर अग्रसर है, और हो भी क्यों ना। इस शहर में वो तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं जो अच्छी सिटीज में होती हैं। आवागमन के लिए रेल, बस और हवाई तीनों ही मार्गों से देश के किसी भी कोने में आसानी से पहुंचा जा सकता है, तो रोजगार के अच्छे अवसर भी यहाँ मौजूद हैं। वहीं अगर हम बात करें अच्छी शिक्षण संस्थाओं की, तो देश के विभिन्न जाने माने स्कूल्स एवं कॉलेज भी शहर में विद्यमान हैं। इन्हीं सब खूबियों की वजह से आज हर व्यक्ति चाहता है कि इस शहर में उसका अपना एक घर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा। बस घर एक ऐसा हो जहां वो अपनी जिंदगी अपने परिवार जनों के साथ आराम से जी सके। एट प्रेजेंट हमने फर्स्ट फेज में 250 बीघा लॉन्च की है। ये रोड के दोनों तरफ है, ईस्ट और वेस्ट साइड में। ईस्ट साइज वाली पार सिटी का नाम हमने पार सिटी ईस्ट रखा है, और जो वेस्ट साइड में है उसका पार सिटी वेस्ट के नाम से रखा है। ईस्ट साइड में लगभग 250 बीघा लैंड है और वेस्ट साइड में 500 हमने एक्वायर कर लिया है। 200-250 बीघा हम प्लानिंग में है कि एक्वायर हो जाएगी। एट प्रेजेंट हमने 250 बीघा के मैप जो वेस्ट साइज में उसके मैप अप्रूव हो चुके थे उसको लॉन्च कर दिया, और फ्रंट वाली हमने आज के 9 महीने पहले लॉन्च कर दी थी। दोस्तों, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रियलिटी चेक की टीम आज पहुंची है झीलों की नगरी उदयपुर में, जहां SNG ग्रुप द्वारा स्थापित की जा रही है एक कंप्लीट टाउनशिप पार्थ सिटी उदयपुर, जिसका भूमि पूजन समारोह पिछले दिनों उदयपुर में किया गया। उदयपुर जयपुर नेशनल हाईवे संख्या 76 पर ईस्ट और वेस्ट दो हिस्सों में पार्थ सिटी उदयपुर को SNG ग्रुप द्वारा बसाया जा रहा है। जैसे अभी उदयपुर में लेके आए तो बहुत अच्छा फेमस ग्रुप JKD है, जिनका जयपुर में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने मेरे साथ में जुड़ने का एक सहयोग किया, साथ दिया, तो उसी का परिणाम है कि हम इस स्टेज पे आ गए कि 9 महीने का जो हमारा सफर था, 9 महीने पहले हमने लॉन्च की थी, और आज जो हम डेवलपमेंट दे रहे हैं लोगों को वो सरप्राइज है। उदयपुर के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि इतना अच्छा डेवलपमेंट इतने शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि यहाँ लोग बहुत छोटी छोटी टाउनशिप काट रहे थे इससे पहले, कोई 5 बीघा की, 10 बीघा की, तो प्रॉपर उनमें एमिनिटीज दे नहीं पा रहे थे। हम लोगों ने लगभग 1000 बीघा के आसपास के एरिया है, और उदयपुर की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी टाउनशिप है,
और जो लोकेशन वाइज है, क्योंकि हमने जो जगह सेलेक्ट की है वो लोकेशन वाइज सबसे बेस्ट है, और जयपुर के बाद में नेक्स्ट जोधपुर उदयपुर यही ग्रो करने वाले हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, जो सिटी है टूरिस्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया है, एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाईवे पे हम एग्जिस्ट करते हैं, जो फ्रेट कॉरिडोर है उसका 76% राजस्थान में जा रहा है, वो उदयपुर को इफेक्ट करता हुआ अहमदाबाद वाला जो हाईवे है इसी को कवर कर रहा है, उसके बिल्कुल नज़दीक है, तो लोगों को आने वाले टाइम पे रोज़गार भी अच्छा मिलेगा यहाँ पे, और रहने के लिए कम कीमत पर अच्छी जगह जहाँ पे सब सुविधाएँ मिल सके। रंगारंग कार्यक्रम के साथ पार्थ सिटी उदयपुर को लॉन्च किया, साथ ही जयपुर विधायक मोहनलाल गुप्ता द्वारा पार्थ सिटी उदयपुर के ब्रोशर का भी विमोचन किया गया। साथ ही पिछले दिनों जब एसएनजी ग्रुप द्वारा पार्थ सिटी उदयपुर का भूमि पूजन समारोह हुआ तो पार्थ सिटी उदयपुर में बसने वालों की इच्छा वहां काफी लोगों ने जाहिर की, और हो भी क्यों ना, करीब 1000 बीघा जमीन में बसाए जाने वाले इस टाउनशिप में एसएनजी ग्रुप द्वारा वर्ल्ड क्लास सुविधाएं प्रोवाइड कराने की योजना है। इसमें सारी एमिनिटीज हम देंगे रहने वालों को, एट प्रेजेंट तो हम प्लॉटिंग लॉन्च कर चुके हैं, मैप अप्रूव्ड है, लोनेबल है और हाईवे पे है, इसमें सारी रोड वगैरह का काम अभी चालू है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा रनिंग में है। अब इसके बाद में हम लगभग 150 के आसपास विला बनाने का की प्लानिंग कर रहे हैं। रियलिटी चेक की टीम सबसे पहुंची है उदयपुर शहर में और जान रही है यहां के रियल एस्टेट बाजार को करीब से। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जानते रहेंगे उदयपुर शहर के रियल एस्टेट बाजार को और करीब से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रियलिटी चेक की टीम इस सप्ताह पहुंची है उदयपुर, यहाँ झीलों की नगरी में, और यहाँ पर बन रहा है एसएनजी ग्रुप का पार्क सिटी। दबोक एयरपोर्ट के नजदीक होने के साथ ही पार्क सिटी के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ग्राहकों को लुभा रही है। फर्स्ट फेज में ही अच्छी खासी फैसिलिटीज तो अभी तक बिल्डर ने प्रोजेक्ट किया है, और क्या कुछ खास है पार्क सिटी में, चलिए जानते हैं। उदयपुर का उदयपुर जयपुर नेशनल हाईवे NH 76 डबोक एयरपोर्ट के पास वो इलाका है जहां तेजी से विकास हो रहा है। इस इलाके में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों, मॉल और लग्जरी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के निर्माण से तेजी से रिहायश की नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं। ऐसी ही संभावनाओं को लेकर उदयपुर एयरपोर्ट के बेहद नजदीक एसएनजी ग्रुप लेकर आए हैं अपना टाउनशिप प्रोजेक्ट पार्थ सिटी। लगभग 1000 बीघा जमीन पर विकसित होने जा रही पार्थ सिटी में एसएनजी ग्रुप द्वारा विलाज, ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल स्पेस एवं प्लॉट्स काटे जाने की योजना है। इस पूरी टाउनशिप की सबसे खास बात यह है कि इस पूरी टाउनशिप को वास्तु नियमों के आधार पर बसाया जा रहा है। कमर्शियल मॉल भी बना रहे हैं, ग्रुप हाउसिंग भी बनाएंगे, विलाज भी दे रहे हैं, क्योंकि 1000 बीघा की टाउनशिप बहुत अच्छी टाउनशिप है, और मेरे हिसाब से उदयपुर में सबसे पहली टाउनशिप है इतनी बड़ी टाउनशिप, और लोकेशन बहुत अच्छी है, अहमदाबाद हाईवे पे है, क्योंकि अहमदाबाद का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो चुका है, अब धीरे धीरे वो डेवलपमेंट राजस्थान की तरफ टर्न अप हो रहा है, तो सबसे पहले उदयपुर अहमदाबाद के सबसे नज़दीक पड़ता है, उदयपुर इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, तो जो हमारी टाउनशिप पे रहेंगे आसपास में इंडस्ट्रियल अच्छा है तो उनको रोजगार भी मिलेगा और रहने के लिए एक सुकून भरी जगह मिलेगी। एसएनजी ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट पार्थ सिटी में लगभग 60% भूभाग खुला छोड़ने एवं 40% हिस्से में ही पार्थ सिटी को बसाने की योजना बनाई है।
पार्थ सिटी उदयपुर में मिलेगी वो सभी सुविधाएं और विशेषताएं जो आम तौर पर एक टाउनशिप में रहने वालों के लिए जरूरी है। एसएनजी ग्रुप की रियल एस्टेट मार्केट में अपनी एक खास पहचान है और एसएनजी ग्रुप की रियल एस्टेट मार्केट में खास पहचान होना लाजमी भी है, क्योंकि एसएनजी ग्रुप अपने सभी प्रोजेक्ट्स प्राइम लोकेशंस पर लेकर आते हैं। साथ ही एसएनजी ग्रुप अपने प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन अपने ही सुपरविजन में करवाता है, ताकि कस्टमर्स को मिल सके एक अच्छा बिल्डिंग स्ट्रक्चर और उच्च क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन। देखा, ये तो आप खुद देख रहे हैं कि जो हम लाते हैं उसका बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल करते हैं। हमने पहले लोकेशन प्रॉपर देखी, फिर लैंड देखी, लेवल करवाया, पूरी गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया, उसके बाद बैंकों से फाइनेंस अप्रूव कराई, उसके बाद हमने लॉन्च की, लेने वाले को सारी सब तरीके से संतुष्टि मिले। क्योंकि आज का ज़माना ये है कि आगजो में व्यापार नहीं कर सकते, सामने वाले को दिखा के उसके मन को संतुष्ट करके फिर व्यापार कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो अभी हमने फंक्शन किया 21 मार्च का, आपने खुद ने देखा होगा कि कस्टमर्स ओरिएंटेड था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, कि हमने डायस पे बुलाकर 10 से 15 कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस कराया जिन्होंने हम इनिशियल स्टेज पे हमारे यहाँ नोट लिया था। राजू कितने सेटिस्फाई हैं, पहले एक सज्जन ने लिया, बाद में उन्होंने अपनी सिस्टर और परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, उनको रिकमेंड किया। जब आदमी रिकमेंड कब करता है, जब उसका मन खुश रहता है। हमारी इच्छा रहती है कस्टमर भगवान है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन अगर हम देते रहेंगे तो हम भी आगे बढ़ते रहेंगे और हम सफलता की ओर अग्रसर होते रहेंगे। तो हम कोशिश यही करते हैं कि कस्टमर ओरिएंटेड जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट है वो चीज़ बिल्कुल रीजनेबल रेट में, कंपटीशन के बाजार को ध्यान में रखते हुए रीजनेबल रेट में, विद इन टाइम जो कमिटमेंट कर रहे हैं, जो क्वालिटी हम कमिट कर रहे हैं वो विद इन टाइम कस्टमर को डिलीवर करें। तो जो हमारा स्लोगन है, क्वालिटी, ट्रस्ट और कमिटमेंट, हम तीनों को भरसक प्रयास करते हैं कि उसको हर टाइम पूरा करें। ट्रस्ट, कमिटमेंट, क्वालिटी। दोस्तों, उदयपुर का रियल एस्टेट बाजार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इसके पीछे रीजन है लगातार यहां का टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट और इसके साथ ही कई बड़े एजुकेशनल हब भी यहां पर लगातार डेवलप होते जा रहे हैं। इसलिए लगातार इन्वेस्टर्स और बड़े बिल्डर्स इस शहर की ओर रुख कर रहे हैं। और क्या कुछ खास हो रहा है उदयपुर में, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। रियलिटी चेक में हम जान रहे हैं उदयपुर के रियल एस्टेट बाजार को करीब से, और रियल एस्टेट बाजार के अंदर लगातार डेवलप हो रहा है कॉमर्शियल प्रोजेक्ट और बड़ी बड़ी टाउनशिप्स। टाउनशिप्स के अंदर भी लगातार बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बड़े बिल्डर्स के अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं। गुलाबी नगरी की तर्ज पे झीलों की नगरी का रियल एस्टेट बाजार भी लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। और क्या कुछ खास है यहाँ के रियल एस्टेट बाजार में, तो चलिए जानते हैं। एसएनजी ग्रुप के लग्जरियस टाउनशिप प्रोजेक्ट पाथ सिटी में 1250 स्क्वायर फुट से लेकर 2700 स्क्वायर फुट यानी 138 वर्ग से लेकर 300 वर्ग गज तक के प्लॉट यहां काटे जा रहे हैं। पाथ सिटी उदयपुर को एसएनजी ग्रुप ने इस तरह डिजाइन किया है कि टाउनशिप में हर प्लॉट एक चौड़ी रोड से जुड़ा हुआ है। एसएनजी ग्रुप ने पाथ सिटी के अंदर 30 फुट से लेकर 100 फुट चौड़ी रोड बनाने की योजना बनाई, ताकि पार्थ में रहने वाले लोग खुलेपन के साथ अपनी जिंदगी यहां बिता सके। रोड वगैरह अच्छी क्वालिटी की दे रहे हैं हम, जो रोडों की क्वालिटी दे रहे हैं वो लगभग 10 साल की गारंटी वाले कॉन्ट्रेक्टर को हमने दिया, जो बहुत AAA क्लास कॉन्ट्रेक्टर है, उनको हमने रोड का काम दिया है, जिन्होंने 10 साल की हमें गारंटी दी हुई है कि 10 साल तक उनके रोड में किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं आएगा। सीवरेज भी हम अच्छी क्वालिटी की दे रहे हैं, पानी की लाइनें देंगे और चारों तरफ बाउंड्री हमने बना दी है, सिक्योरिटी सिस्टम प्रॉपर है,
तो वहाँ रहने वाले आदमी को अगर कोई बच्चे भी हैं तो प्ले जोन हम वहाँ विकसित कर रहे हैं, जिम, योगा सेंटर, वहाँ रहने वाले आदमी को बाहर की कहीं आवश्यकता नहीं होगी। पार्थ सिटी में एसएनजी ग्रुप ने सभी सुविधाओं से युक्त एक क्लब हाउस का निर्माण करवाने की योजना बनाई है, जिसमें स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, योगा, बिलियर्ड्स कम कॉफी लॉन्च, जकूजी, स्पा, मसाज रूम, स्टीम बाथ, टेबल टेनिस, इंडोर गेम्स जैसी सभी सुख सुविधाएं यहां एसएनजी ग्रुप उपलब्ध करवाएगा। पार्थ सिटी में आपको मिलेगी कॉमन एरिया के साथ साथ हाईटेक सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए सीसीटीवी कैमरे, मेन गेट पर 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड आपकी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। पार्थ सिटी में वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा, ताकि प्रकृति की अमूल्य निधि पानी को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जा सके। देखिएगा, हम 2 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2 साल में हम कुछ विला और ग्रुप हाउसिंग वगैरह बना देंगे। उसमें लोगों के रहने का जो हमारा प्रपोज प्रोग्राम है वो 2 साल के अंदर अंदर है। उसमें कुछ हमारा स्टाफ अभी ऑलरेडी रह रहा है, उन स्टाफ वगैरह के लिए भी बंगले वगैरह बना रहे हैं, और कुछ ऑलरेडी बुक, कई लोगों का प्रेशर है कि साहब आप एक विला हमें दो, एक विला हमें दो, कुछ लोगों का प्रेशर है। तो हम चाह रहे हैं कि विला वगैरह का काम चालू करके 2 साल में हम पूरा डेवलप करके वहाँ रहने योग्य बनाने की उसमें है कि 10-5 फैमिली मिनिमम वहाँ 2 साल के अंदर रहने लग जाए। एसएनजी ग्रुप ने पार्क सिटी में ग्रीन स्पेस का भी काफी ध्यान रखा है और टाउनशिप में खूबसूरत लैंडस्केप गार्डन विकसित करवाने की योजना बनाई है। साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मंदिर, वाटर बॉडीज, गार्डन, पेवेलियन, लॉन, किड्स प्ले एरिया, मेडिटेशन एरिया, वॉकवेज और एक्टिविटी सेंटर, कमर्शियल मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल का निर्माण भी करवाया जाएगा, ताकि यहाँ रहकर आप एक सुखद जीवन का एहसास कर सकें। हम चाह रहे हैं वो सब फैसिलिटी दें कि वहाँ के रहने वाले आदमी को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ रोजगार के लिए वो बाहर जाए, बाकी सारी सुविधाएं वहाँ मिल जाए। वहाँ हम हॉस्पिटल भी बनवाएंगे, स्कूल कॉलेज पड़ोस में है ही, क्लब हाउस हम इतना अच्छा फैसिलिटी का देंगे कि बाहर के लोग भी वहाँ आने की चेष्टा करें। क्लब हाउस में मेंबरशिप देंगे सभी को। अगर आप चाहते हैं उदयपुर के तेजी से विकसित होते डबोक एयरपोर्ट से मात्र 2 मिनट की दूरी पर खुले और प्रदूषण मुक्त वातावरण में अपने ख्वाबों का घर बनाना, तो एसएनजी ग्रुप का पार्थ सिटी लग्जरियस टाउनशिप प्रोजेक्ट एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लग्जरियस एहसास की हकीकत तो आप पार्थ सिटी में रहकर ही जान सकते हैं। देखो, तुरंत ले लें, क्योंकि अच्छी लोकेशन की जगह मिलना फिर उनके लिए दूभर रहेगी, क्योंकि हम भी कुछ नहीं कर सकते। जब फर्स्ट कोई कस्टमर आएगा वो अच्छी लोकेशन ले लेगा। बुकिंग हमारी बहुत अच्छी हुई है, आज की तारीख में हमारा लगभग 40% माल बिक चुका है। लॉन्चिंग के टाइम भी इतना माल बिकना अपने आप में बहुत मायने रखता है। अभी तो बहुत डेवलपमेंट ड्यू है, वहाँ चल रहा है, तो इसलिए जो प्राइम लोकेशन की जगह है वो निकल जाएगी। अगर जिनको लेना है वो तुरंत ले लें, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप जाके वहाँ देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा, आपका खुद का मन बोलेगा कि वास्तव में ये जगह बहुत अच्छी शकुन भरी जगह है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना उदयपुर के रियल एस्टेट बाजार को करीब से, जाना उदयपुर सिटी कितनी तेजी से तरक्की कर रही है और यहाँ का रियल एस्टेट बाजार कितनी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, उदयपुर ऑलरेडी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स लगातार इस पूरे शहर को हरा भरा रखते हैं टूरिस्ट से। देशी विदेशी पर्यटक लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी के साथ में इस पूरे शहर के अंदर एक अलग किस्म का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ में अब बाहर के निवेशक भी लगातार इस शहर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं उदयपुर शहर में, और ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं जयपुर के बड़े बिल्डर्स और बड़े इन्वेस्टर्स, क्योंकि उदयपुर के अंदर अब उनको दिख रहा है एक अच्छा खासा ग्रोथ और डेवलपमेंट। अगर आप भी करना चाहते हैं इस शहर के अंदर इन्वेस्टमेंट,
तो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा और रिटर्न मिलेगा आपको अच्छा खासा। इस शहर के अंदर लगातार बन रहे हैं बहुत सारे हाईटेक और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने को आपको मिलेगा अच्छा खासा रिटर्न। तो दोस्तों रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हमने जाना इस शहर को करीब से और जाना कि किस तरह से डेवलप हो रहा है ये पूरा शहर। रियलिटी चेक के आगे के एपिसोड में भी हम आपको देते रहेंगे रियल एस्टेट मार्केट की लगातार अपडेट। तब तक के लिए इजाजत दीजिए रियलिटी चेक की पूरी टीम को। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान, खबर ही जीवन है।